चाइनीज में ना एक कहावत है हर इंसान में एक अच्छाई होती है और बुराई होती है हर इंसान में तो आप उसकी अच्छाई से तो बहुत कुछ सीख सकते हो बट उसकी बुराई से ये सीख सकते हो कि आपको क्या नहीं करना है वैसे मेरा कॉस्टिंग ये सब काफी था यू मीन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बट थियोरिटिकल सब्जेक्ट स्पेशली ऑडिट में कहीं ना कहीं अपने चांद में दाग था तो मैंने क्या मिस्टेक्स की ऑडिट में वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और जो मेरे नेगेटिव पॉइंट्स थे प्लीज एंश्योर कि आप लोग उसको ना करो थ्री मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड दैट विल एंश्योर अ वेरी वेरी गुड मार्क्स इन योर ऑडिटिंग एग्जामिनेशन सो आई जस्ट नीड योर थ्री मिनट्स एंड आई विल डिस्कस दो विद यू योर आर द थ्री मेजर थिंग्स विच यू शुड एंश्योर कि आप ऑडिट में ध्यान रख रहे हो सबसे पहला ओवर रिलाइंग ऑन फ्यू चैप्टर्स मैं सी इंटर में अच्छा स्कोर किया था ऑडिट में और मैं आपको फ्रेंकली बोलता हूं मैं कुछ लिमिटेड चैप्टर्स करके गया था इंसिडेंटली आई वॉज लकी इनफ उन्हीं चैप्टर्स में से आया एग्जाम में एंड आई एबल टू सिक्योर मार्क्स मुझे लगा फाइनल में भी वही ट्रेंड को रिपीट करते हैं आई जस्ट फोकस्ड ऑन फ्यू चैप्टर्स एंड एग्जाम में गया एकदम शान से थैंकफुली मैंने प्रोफेशनल एथिक्स बहुत अच्छी तरह से किया था इंक्लूडिंग द क्लॉज सेक्शन एवरीथिंग उसमें मेरे को आई एम श्योर सोलह में से सोलह आया होगा बाकी मैंने क्या लिखा है और कैसे मुझे वो बाकी ट्वेंटी फोर मार्क्स है ओनली आई एन एग्जामिनर नो इट बेसिकली कहने का मतलब है डोंट रिलाई ओनली ऑन फ्यू चैप्टर्स ठीक है ऑडिट में आजकल नुक्स एंड कॉर्नर्स में से वो लोग पूछ रहे हैं स्पेशली द एमसी क्यूज एट द सेम टाइम दे नो दैट आप लोगों का वीकनेस है दैट एवरीबॉडी डज दिस मिस्टेक के छोटा छोटा चैप्टर्स आप इग्नोर कर देते हो डोंट डू दैट एटलीस्ट मैं तो बोल रहा हूँ आज की तारीख में तो यार इतना सब कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, uh, है कुछ भी कहीं से सुन लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे के एनश्योर दैट सब का एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कई बार ये छोटे चैप्टर्स में से आता ईजी क्वेश्चन है बट बिकॉज वी हैव नॉट डन इट वी आर नॉट एबल टू अटेम्प्टो डू नॉट रिलाई ऑन फ्यू चैप्टर्स डू एवरीथिंग स्पेशली वेन यू हैव

assertions, qualified opinions, material misstatement. ये सब बड़े बड़े वर्ड्स चाहिए तो अभी जब तुम लोग रिवाइज कर रहे हो प्लीज यूज राइटिंग लिखते रहो अदरवाइज ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है आधे घंटे में कुछ भी कर लो नींद आ ही जाएगा बट यू हैव अ पेन एंड पेपर सिट एंड स्टडी ऑडिट सो के मत पढ़ना बैठ के लिख लिख के करते जाओ मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा टाइम डालो उसमें बट जो भी आंसर्स है देखते जा रहे हो रिवाइज करते जा रहे हो बस रैंडमली लिखते लिखते जाओ लिखते जाओ वर्ड्स दिमाग में घुसते जा रहे हैं ट्रस्ट मी एग्जाम में ये टेक्निक बहुत काम आएगी ठीक है सो so, कोई भी आंसर लिख रहे हो उसमें तीन चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख रहे दिख रहा है आपको जो यू नो विच आर वेरी फैंसी एंड शुड बी यूज इन दी एग्जामिनेशन राइट दैट डाउन एंड उसके इर्द गिर्द आपको अपना आंसर बनाना है इन दिन एग्जामिनेशन यूज ऑफ की वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड थर्ड इज राइट टू द पॉइंट आंसर यहाँ पे कोई बीकॉम का एग्जाम नहीं चालू है कि अपने को अपना स्टोरी लिखकर आएंगे जितना क्वांटिटी ऑफ पेजेस उतना मार्क्स ऐसा नहीं है टू द पॉइंट चाहिए उसको प्रॉपर स्पेसिफिक एक सिस्टमैटिक से फॉर एग्जांपल कोई केस स्टडी आया है तो केस स्टडी को आप कैसे डिवाइड कर रहे हो पहले आपका स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन आना चाहिए फिर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन एंड देन फाइनली कंक्लूजन और ऐसा लिखकर आओ इंट्रोडक्शन आंसर टू द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट फिर बाद में कंक्लूजन रिकमेंडेशन ऐसे लिखकर आओ तो साम आपका जो एग्जामिनर है उसको भी दिखेगा कि यार ये बंदा प्लानिंग करके आया है इस सब्जेक्ट में एंड दैट इज वॉट इज गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स राइट गाइज सो आई होप ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको काम में आए होंगे एंड आप उसको फॉलो करोगे कमेंट में लिखकर बताना हाउ यूजफुल इट दे वर्क एंड जरूर लिखना दैट यस आई विल फॉलो दीज थ्री पॉइंट प्लीज ओवर रिलाय मत करना कुछ चैप्टर्स के ऊपर डू एवरीथिंग यू हैव टाइम

और सच टिप्स के लिए